दिव्यांका और विवेक, आप दोनों को कैसा लग रहा है कि आपको एक नया नाम मिला है? दिवेक। दिवेक, ये जोड़ी कब बनी? कहते हैं कि रब जोड़ियां बनाता है, पर इनकी जोड़ी फैंस ने बनाई है। क्या ये दोनों एक दूसरे को मौका देंगे? धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है दिशा। अब नहीं होता भरोसा, मैं तुम्हारा भरोसा जीत के दिखाऊंगा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर, कहां चला रे तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में, तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूं मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। ये मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मोस्टली दिमाग की ज्यादा सुनता हूँ। बट कैन आई गिव यू अ हग हर्ष? यू नो, शुरुआत में जब हर्ष आया
तो एक गैग होने वाला था और वो गैग पहले ही निकल गया और मैं कंप्लीटली समझ सकता हूं कि हर्ष पर क्या बीती होगी, क्योंकि आप कितनी उम्मीदों के साथ प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो जो एक चीज निकल जाती है आपका पूरा जो यू नो मेंटल स्टेट है इट कंप्लीटली यू नो डिसओरिएंट्स यू। फिर भी जिस तरह से आपने परफॉर्म किया यू नो कहीं ना कहीं आप निराश हुए अंदर से, लेकिन वो दिखाया नहीं आपने, आपने कंटिन्यू किया, आपने परफॉर्म किया, उस बात के लिए आई जस्ट वांटेड टू हग यू एंड से वेल डन ब्रदर, वेल डन, सुपर्ब। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। एक और चीज मिस हो गई मेरे से। हाँ। Oh, sweet. Wow. Wow. हम खुश है सर, हम कभी भी निराश नहीं होते। और मैं और हर्ष जब सुबह मिलते हैं शूट वाले दिन तो हम बोलते हैं कि ऐसा नाचो कि आखिरी है, और वाकई इसने बेचारे ने ऐसा नाचा सच में आखिरी कि आखिरी है। कमाल। बट मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं हर्ष की डांसिंग से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एकदम भी मतलब बनावटी बिल्कुल भी नहीं है। होता ना टीवी के सामने कुछ ऐसे, जी सर जी, ये ऐसे ही है। और रिहर्सल के दौरान जब कभी प्यार आ जाता है तो सर मतलब जैसे कुत्ते को प्यार करते हैं ना, ये मुझे ऐसे भगा रहा है, कैसी है ये वाली फीलिंग। लोग अपनी बलियों का हाथ पकड़ते ना, चल बेटा ये इधर से पकड़ता, चल ना ऐसे करता है। सर है इतनी क्यूट, मैं क्या करूं। मैं राइटर हूं तो बहुत सारी बात होती है मनाने वाली, बट जब भारती की बात आती है ना तो मेरे लव्स सच में खत्म हो जाते हैं, बिकॉज ये इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, मेरे को बुक लिखने का मन करता है, लेकिन भारती लिख के मैं छोड़ देता हूं, मुझे लगता है मेरी बुक कंप्लीट हो गई। क्या बात है भाई, सलम और अभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सलम, आपका जिम सेशन हो गया। आई थिंक एक्रोबैटिक्स आप दोनों के एक्ट्स में होते ही होते हैं, एंड देखना भी बहुत पसंद आता है क्योंकि हर बार इतना अलग लगता है। एंड अभिगेल, जिस तरह से आप सनम का साथ देती हो,
You're definitely by far his best dancing partner till date. Thank you. कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप खड़े हो जाते हैं तो then becomes very obvious कि हम क्या बोलने वाले हैं. तो मैं अब खड़े होने वाला चाहता हूँ. Because today you danced really well. Superb. Thank you so much. Thank you so much. क्या बात है? Abigail, I love you. Anyways, a little bit more, but today Sanam was a star. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. I love how he uses you like a prop. I'm not seeing this as a bad thing. So, all in all, now you guys are playing it like performers and not just as dancers, which is beautiful, I think. Thank you so much, sir. Thank you. हर किसी की एक कहानी होती है. शोएब और मेरी भी है. आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ शोएब और मेरे बारे में, जो हमने आज तक इतनी ओपनली कभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी. शोएब मेरी लाइफ में क्या है, वो क्यों इतना मायने रखते हैं मेरे लिए, ये सब मैं शायद आपको वर्ड्स में कभी बता नहीं पाऊंगी. डांस सबसे खूबसूरत कला मानी जाती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. एंड आई होप जो कोशिश हम कर रहे हैं वो कामयाब हो. ये किस तरह के कपड़े पहनती हो? उसे खाना भी नहीं बना सकती. चुपचाप बैठी रहो. शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी. बस सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर. मैं तो यूं खड़ी कैसे सोच में पड़ी थी, कैसे जी रही थी मैं दीवानी. चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना. मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है. एतबार भी तुझी से होता है, आओ ना होश में. बाहों में है तेरी जिंदगी, है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगी खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर रा 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 रा. सुन मेरे हम सफर. तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो. के तेरी सांस चलते जिधर. तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. तुम जैसी हो बस हमेशा वैसी ही रहना. एक रिश्ता नया, एक सफर नया. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया. हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा. मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए. कुछ तो है तुझसे तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है. जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए. शादी के कुछ सालों बाद
जाते जाते मुझे कर गुजरता साल लम्हा एक दामन भर गया तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की कश्तियों मुरझाकर भी ये गुल गुलजार हो गए अपने इश्क के हर लम्हे यादगार हो गए।